हुकूमत ने अरकान इलेक्शन कमीशन की तैनाती का मयार तब्दील करने का फैसला कर लिया। नए मयार का तायुन इंतखाबी इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी करेगी। मयार में तब्दीली के लिए आईनी तरमीम करना होगी जो बजट सेशन से पहले मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाई जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार का बयान। पनामा लीक्स की तहकीकात पर विफाक के वज़रा का मशावरती इजलास। अपोजिशन के ज़ाबितकार के कई नुकात काबिले अमल नहीं। हुकूमत ने हिज़्बे इख्तिलाफ़ के खत का जवाब तैयार कर लिया। आइंदा 24 घंटों में इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। पनामा लीक्स के सनसनीखेज इंकशाफात का दूसरा हिस्सा कल जारी किया जाएगा। ऑफशोर कंपनीज के साथ बैरून मुल्क जायदादों और बैंक अकाउंट्स के नए राज खुलेंगे। 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सियासतदानों, कारोबारी शख्सियात और शोबिज सितारों के नामों से पर्दा उठेगा। सखर में मुस्तफा कमाल की आमद से पहले मुखालिफीन के नारे। मुस्तफा कमाल के पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव। इंतजामिया ने पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा का रास्ता तब्दील करवा दिया। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान मुश्ताक रईसानी की गिरफ्तारी और इंकशाफात के बाद बलूचिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में हलचल। सूबाई सेक्रेटरीज की किसी एक की करप्शन पर दीगर को तहजीब का निशाना न बनाने की अपील। कल फिर सर जोड़कर बैठेंगे। कराची में टारगेट किलिंग का शिकार बनने वाले समाजी रहनुमा खुर्रम ज़की को सुपुर्द खाक कर दिया गया। कत्ल का मुकदमा सर सैयद टाउन थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फिटनेस टेस्ट देने से माजरत कर ली। घुटने की तकलीफ को वजह बता दिया लेकिन 22 मई को काउंटी क्रिकेट खेलने इंग्लैंड जाएंगे। खबर नहीं रुकती, खबरों का अमल रहता है जारी और पाकिस्तान की बेहतरीन न्यूज टीम का भी, जो रात भर मसरूफ रहती है, ढूंढती है, तश्कील देती है हर अहम खबर आगही के अछूते जाविए, ताकि आपके दिन का आगाज हो बाखबर जियो पाकिस्तान से। और बड़ी खबर को खंगाल कर अंदर की खबर निकालेंगे, पूरे दिन के सिंफ का तायुन करेंगे। देखिए जियो पाकिस्तान कल से सुबह 9:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।